तो आइए शुरू करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में साइक्लिक कन्फर्मेशन का हमारा अगला लेक्चर। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। हम लोग बनाना सीख रहे हैं कि आखिरकार हमारे पास साइक्लोहेक्सेन के कौन कौन से कन्फर्मेशंस होते हैं। अब जिसमें से हम लोगों ने अभी तक सबसे पहले पढ़ चुका है चेयर फॉर्म, जहाँ पर हमने अच्छे से समझ चुका है एक्सियल फॉर्म क्या होती है, एक्सियल बॉन्ड क्या होती है, इक्विटोरियल बॉन्ड क्या होती है, कितने हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स एक्सियल होते हैं, कितने हमारे पास इक्विटोरियल होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने अगली जो फॉर्म पढ़ना स्टार्ट की थी, उस फॉर्म का नाम था हमारे पास बोट फॉर्म। और हमने बोट फॉर्म में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, जहाँ पर हमारे पास फ्लैगपोल इंट्रैक्शन कहलाता है, जिसकी वजह से रिपल्शन होता है और पोटेंशियल एनर्जी चेयर फॉर्म के मुकाबले ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब हम लोग कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन में जो अगले कन्फर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं, एक तो सबसे पहले है हमारे पास हाफ चेयर पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग एक लास्ट पढ़ेंगे ट्विस्ट बोट। तो टोटल हमारे पास ये चार ही कन्फर्मेशंस होती हैं साइक्लोहेक्सेन की, जिसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी केमिस्ट्री हाफ चेयर के साथ। अगर हम हाफ चेयर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले इसके बारे में हम एक बात लिखेंगे, इट हैज मैक्सिमम एनर्जी आउट ऑफ ऑल कन्फर्मेशंस। सभी कन्फर्मेशंस में से इसके पास क्या होती है, मैक्सिमम एनर्जी होती है। ठीक है, अब अगर मैक्सिमम एनर्जी है तो सिंपल सी बात है, स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम रही होगी। अब आप ये देख रहे होगी, सर आखिरकार इसको बनाते कैसे हैं, तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आखिरकार हम इसको बनाएंगे कैसे। अब इसको बनाने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर दोनों ही तरीके सिखाने वाला हूँ। सबसे पहला तरीका आपके पास कुछ ऐसा होगा, आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐसे कर लो, और यहाँ पर आप हल्का सा यहाँ से चेंज कर दो। जरा ध्यान से देखो यहाँ पर फर्क क्या रहा है, ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट, ये एज इट इज मैंने यहाँ तक ऐसे कर दिया है, अब ये वाला पार्ट मैंने थोड़ा नीचे की तरफ कर दिया है। ये वाला जो पार्ट अगर आपको दिखाई दे रहा हो, तो ये वाला थोड़ा सा मैंने नीचे की तरफ कर दिया है, तो इसी को हम बोल सकते हैं हाफ चेयर। एक तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दूसरा तरीका बहुत इंटरेस्टिंग तरीका होता है, जहां पर हम जो ये वाली बॉन्ड आपको दिख रही है, इस वाली बॉन्ड को ऐसे ही रहने दें, इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएं और इसको हम थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके जाएं। तो ध्यान से देखना कहानी क्या आएगी, कहानी हमारे पास कुछ ऐसी बन जाएगी, इस तरीके का हमारे पास है, जहां पर कुछ ऐसा हो जाएगा और जहां पर कुछ ऐसा हो जाएगा। ये भी हमारे पास हाफ चेयर फॉर्म कहलाती है। चाहे आप ऊपर वाले की तरह से बनाओ, वो भी हाफ चेयर है, चाहे आप नीचे वाले की तरह बनाओ, ये भी हाफ चेयर है। फिर से सुनिए, फिर से यहां पर हमने क्या किया, ये जो आपके पास यहां पर ऐसे बॉन्ड दिख रही है, इसको हम प्लेन में रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाली बॉन्ड को ऐसे ही प्लेन में रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाला हमने पकड़ के नीचे की तरफ थोड़ा सा कर दिया है, और ये वाला हम ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो आपके पास ये फॉर्म नजर आ जाएगी। अगर मैं इसमें कार्बन एटम समझाऊं, तो देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन यहां है और छह कार्बन यहां है, इसको हम बोलते हैं हाफ चेयर फॉर्म। अब इसी के बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक होता है, वो होता है ट्विस्ट बोट। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है, और ट्विस्ट जो बोट होता है, ये इकलौता ऐसा कंफर्मेशन होता है जहां पर आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एब्सेंट होती है, जहां पर आपके पास इन्वर्जन सेंटर क्या होता है, एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ये जो कॉन्फर्मेशन होती है साइक्लोहेक्सेन की, इकलौती कॉन्फर्मेशन कायरल कॉन्फर्मेशन होती है। तो कभी कभी सवाल आ जाता है सीधा सीधा हमारे पास कि बताइए हमारे पास कौन सी कन्फर्मेशन होती है साइक्लोहेक्सेन की जो कायरल होती है, तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास ट्विस्ट बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन कायरल कन्फर्मेशन होती है। अब अगर ये कायरल कन्फर्मेशन है, आखिरकार हम इसको बनाएंगे कैसे, तो देखो आपके पास बोट कुछ इस तरीके की होती है, तो एक तो आप कुछ इस तरीके से कर दो, और यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से कर दो, और इन दोनों के बीच में आप एक लाइन ऐसे खींच दो इस तरीके से। इसी फॉर्म को हम
ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म बोलते हैं, आप थोड़ा सा इसको और हल्का सा ऐसे बना सकते हो। तो यही हमारे पास फॉर्म क्या कहलाती है, ट्विस्ट बोर्ड, जहां पर एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये है, चौथा कार्बन ये है, एक पांचवा कार्बन ये है और एक छठा कार्बन ये है। तो ये हमारे पास कहलाती है बोर्ड थी, बोर्ड को हमने ट्विस्ट कर दिया, ट्विस्ट करके ही हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्विस्ट बोट आ जाएगा। जो इसमें सबसे खास बात है वो खास बात हमारे पास क्या है, ये वाली फॉर्म हमारे पास क्या रहती है, ये वाली फॉर्म हमारे पास कायरल रहती है। यहाँ पर आपके पास ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ना ही आपके पास इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है तो एक बात और समझते हैं, जो हमारे पास बोट, यहीं पर हम नोट में एक पॉइंट लिखते हैं, जो हमारे पास बोट एंड ट्विस्ट बोट होती है, बोट एंड ट्विस्ट बोट, ये हमारे पास बोट एंड ट्विस्ट बोट क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल कन्फर्मर्स होते हैं, फ्लेक्सिबल कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन होते हैं, फ्लेक्सिबल कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन होते हैं। अगर ये हमारे पास फ्लेक्सिबल कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन है तो हम कह सकते हैं समटाइम्स समटाइम्स डेरिवेटिव्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन, समटाइम्स डेरिवेटिव्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट इन दीज फ्लेक्सिबल फॉर्म्स, दीज फ्लेक्सिबल कन्फर्मर्स। यही वो रीजन होता है जिसकी वजह से समटाइम्स डेरिवेटिव ऑफ जो साइक्लोहेक्सेन होते हैं वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक सारी कन्फर्मर्स पढ़ चुके हैं, अब हम बात करते हैं इनकी पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है फ्लिपिंग का, जहां पर ये सारी ही जो कन्फर्मर्स होती हैं, कन्फर्मेशंस होती हैं, इनके बीच में फ्लिपिंग चलती है और वहां से हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आ जाता है, फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन या फिर फ्लिपिंग ऑफ चेयर फॉर्म। आइए शुरू करते हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी की। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर्स की, तो हम ये कहेंगे सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी जो आपके पास यहां पर आती है वो होती है हाफ चेयर की। और हम लोगों ने जब हाफ चेयर की फॉर्म पढ़ी थी तो हमने ये लिखा भी था कि हाफ चेयर ही वो कन्फर्मेशन होती है जहां पर मैक्सिमम एनर्जी होती है। हाफ चेयर के बाद आपके पास यहां पर बोट की एनर्जी होती है, फिर बोट के बाद आपके पास यहां पर ट्विस्ट बोट होता है, और ट्विस्ट बोट के बाद आपके पास यहां पर लास्ट में चेयर फॉर्म आती है। तो इस तरीके से आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर रहता है। और हमें अच्छे से पता है अगर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की, अगर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो जस्ट इसका रिवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो हम ये कह सकते हैं जो चेयर कन्फर्मर है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, चेयर के बाद हमारे पास ट्विस्ट बोट ज़्यादा स्टेबल होता है, ट्विस्ट बोट के बाद हमारे पास क्या होता है बोट ज़्यादा स्टेबल होता है, और लास्ट में हमारे पास हाफ चेयर क्या होता है सबसे कम स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी क्वेश्चन एज इट इज यहीं से आ जाता है, जहां से आपसे पूछता है साइक्लोहेक्सेन के डिफरेंट कन्फर्मर्स की पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। अब हम यहां पर एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि बेहतरीन टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन, फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन। जो आपका साइक्लोहेक्सेन होता है इसमें एक फ्लिपिंग देखने को मिलती है, और वो फ्लिपिंग बहुत ही खास तरीके से होती है, जरा ध्यान देखना। सबसे पहले आपके पास क्या होती है चेयर फॉर्म होती है, इस तरीके से चेयर फॉर्म जो होती है वो इंटर कन्वर्ट होती है आपके पास हाफ चेयर में, हाफ चेयर जो है वो इंटर कन्वर्ट होती है आपके पास ट्विस्ट बोट में, और जो ट्विस्ट बोट या फिर जिसको आप ट्विस्टेड बोट कहते हो ये कन्वर्ट होती है ट्रू बोट में, किसमें होती है ट्रू बोट में, और ट्रू बोट फर्दर फिर से ट्विस्ट बोट, जो कि आपस में यहाँ पर मिरर इमेज आ जाएंगे एक दूसरे की, उसके बाद फिर से आपके पास हाफ चेयर में, और हाफ चेयर के बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा इन्वर्टेड चेयर। इस तरीके से आपके पास फ्लिपिंग का सारा फंडा
चलता है। इस बात को आपको समझना है यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ पर बात कहूँगा तो एक सबसे इंटरेस्टिंग बात आपके पास जो होती है, ये जो ट्विस्ट वोट होती है, आपको मैंने अभी अभी सिखाया था कि ट्विस्ट वोट आपके पास कैसा होता है, कायरल होता है, और ये इसकी आपस में क्या है, मिरर इमेज है, इसीलिए यह क्या है 1:1 के रेशियो में प्रेजेंट होंगे। बात समझ में आ रही है? अभी अभी मैंने सिखाया था ट्विस्ट वोट में आपके पास कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, कैसा भी इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट नहीं है, अगर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो ये कैसा कन्फर्मेशन होगा, कायरल कन्फर्मेशन होगा। अगर ये कायरल कन्फर्मेशन होगा, वहीं से हमने ये पढ़ा था कि अगर ये इसकी मिरर इमेज है तो ये 1:1 के रेशियो में यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। अब हम थोड़ा सा डायग्राम के साथ समझते हैं फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अगर मैं फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन को डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं, फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो जरा ध्यान से समझिएगा किस तरीके से यहां पर आपके पास फ्लिपिंग होती है। देखो, सबसे पहले हमारे पास यहां पर आप इस तरीके से बना लोगे, ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, चेयर फॉर्म है। फिर आप चेयर फॉर्म से किस में जाओगे, आप चेयर फॉर्म से यहां पर जाओगे हाफ चेयर फॉर्म में। किस में जाओगे, हाफ चेयर में। और फिर हाफ चेयर से आप किस में जाने वाले हो, अब इसमें क्या करना है, थोड़ा इसको ऊपर कर दो और थोड़ा इसका नीचे कर दो। मतलब जब आप इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाओगे, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके जाओगे, तो आपके पास यहाँ पर कौन सा बन जाएगा, ट्विस्ट बोर्ड बन जाएगा। जरा ध्यान देखना, यहाँ पर आपने ऐसे कर दिया, ये आपके पास यहाँ जाएगा और ये आपके पास यहाँ जाएगा, इसको हम बोल देंगे ट्विस्ट बोट। हमने ट्विस्ट बोट एक तो उस तरीके से बनाया था, आप इस तरीके से भी ट्विस्ट बोट को बना सकते हो। ट्विस्ट बोट के बाद हमारे पास यहां पर आ जाएगा ट्रू बोट, और ट्रू बोट आप सबको पता है हम लोग कैसे बनाते हैं, कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ट्रू बोट के बाद आपकी जो कहानी यहां पर चलने वाली है, वो कहानी फिर से क्या जाएगी, इसके साथ इसकी मिरर में जाएगी, इस वाले के साथ इसकी मिरर इमेज आएगी, जिसको मैं यहां पर दिखा पाऊंगा। जब आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो इस बार जो बनाने का तरीका होगा, ये वाली बॉन्ड है, ये वाली बॉन्ड ऊपर की तरफ आएगी और ये वाली बॉन्ड नीचे की तरफ आएगी। तो जरा ध्यान से देखना, यहां पर ये वाली बॉन्ड ऊपर की तरफ आएगी और ये वाली बॉन्ड नीचे की तरफ आएगी, तो ये इसकी क्या बन जाएगी, मिरर इमेज बन जाएगी। फिर से यहां पर इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, यहां पर इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी बनेगी, यहां पर आ जाएगा और ये यहां पर आ जाएगा, और लास्ट में फाइनली आप जब इसका इन्वर्टेड फॉर्म बनाओगे तो इन्वर्टेड फॉर्म आपके पास यहां पर कुछ ऐसा बन जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगी इन्वर्टेड चेयर। इस तरीके से आपके पास फ्लिपिंग का कार्यक्रम होता है, जिसमें ये वाली फॉर्म सबसे पहले आपके पास क्या है, चेयर है, ये वाली फिर फॉर्म क्या है आपके पास यहाँ पर, हाफ चेयर है, फिर ये वाली फॉर्म आपके पास यहाँ पर क्या है, ट्विस्ट बोट है, और ट्विस्ट बोट के बाद आपके पास यहाँ पर क्या आ चुकी है, ट्रू बोट आ चुकी है, है ना, जिसको आप बोट कहते हो। फिर ये फिर से क्या आ रहा है, ट्विस्ट बोट आ रहा है, जो कि आपस में मिरर इमेज है और 1:1 के रेशियो में पाए जाएंगे। फिर ये इसकी क्या है, यहाँ पर मिरर इमेज होगी हाफ चेयर की, और फिर जब आप इसको देखोगे तो ये आपके पास एक इन्वर्टेड चेयर आ जाएगी। हमें जो मेन बातें समझनी है, वह मेन बातें चेयर फॉर्म में समझनी है। अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र हमें समझना है, उसके बीच में ये सारी ही चीज़ें होती हैं, वो तो होती ही हैं, लेकिन हमें जो मेन कहानी पढ़नी है इस चेयर से और इस बीच की पढ़नी है, जिसको हम नाम देते हैं फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब अगर मैं यहाँ पर एटम्स लगाता हूँ हाइड्रोजन के, तो उसको मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो अब मैं एक बार एटम्स दिखा देता हूँ यहाँ पर किस तरीके से होंगे। देखो, यहाँ पर अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पर क्या लगा है, एच ए, और यहाँ पर क्या लगा होगा, एच बी। इस तरीके से है, ये आपके पास एक्सियल पोजीशन है और ये इक्विटोरियल पोजीशन है, हमने बात कर रखी है। वैसे ही यहाँ पर आपके पास क्या लगा होगा, एच ए, यहाँ पर क्या लगा होगा, एच बी। यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो ये वाला कार्बन है, तो यहाँ पर एच ए लगा होगा, यहाँ पर एच बी लगा होगा। फिर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एच ए लगा होगा, यहाँ पर एच बी लगा होगा। यहाँ पर बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास, जरा ध्यान देखना, ये वाली पोजीशन और यहाँ पर आपके पास आ जाएगी एच ए, यहाँ पर एच बी। अब जरा ध्यान देखना, यहाँ पर इस वाले पर, यहाँ पर आ जाएगा एच बी और यहाँ पर आ जाएगा एच बी।
बस ये वाली बात हमें समझनी है कि यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास हाइड्रोजन एटम लगे हैं। अब हम अपनी कहानी इन दोनों के बीच की करते हैं कि जब हम लोग चेयर से इन्वर्टेड चेयर में फ्लिपिंग से जा रहे हैं तो हमारे पास किस किस चीज में बदलाव आता है, किस किस चीज में बदलाव नहीं आता है, इस पॉइंट को ही हमें अच्छे से समझना है ताकि आगे चल के हम कभी भी फ्लिपिंग की बात करेंगे तो हमें एटलीस्ट पता होगा कहाँ पर चेंज आया है और कहाँ पर चेंज नहीं आया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार फ्लिपिंग के दौरान क्या चेंज है और क्या चेंज नहीं है। देखो, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर चेयर फॉर्म बनाता हूँ तो चेयर फॉर्म हमारे पास कुछ ऐसी है, और यहाँ पर अगर मैं इसकी फ्लिपिंग करवाता हूँ तो फ्लिपिंग करवा के यहाँ पर आपके पास जो चेयर फॉर्म आएगी वह चेयर फॉर्म आपके पास कुछ ऐसी आ जाएगी। मानते हो आप, ये वाली चेयर फॉर्म का यहाँ पर क्या हो चुका है, फ्लिपिंग हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर एटम्स लगाता हूँ तो जरा ध्यान देखना, यहाँ पर आपके पास क्या है, HA है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, HB है। अब ये कार्बन एटम जो पहले अपवर्ड दिख रहा था वह कार्बन एटम अब कैसा हो गया, डाउनवर्ड हो गया, यहाँ पर HA आ गया और यहाँ पर HB आ गया। अब इसमें आखिरकार क्या क्या चेंजेस आए हैं इसको अपन बात करते हैं। देखो, सबसे पहला जो चेंज आया है हम बोलेंगे जो अपवर्ड कार्बन एटम है, अपवर्ड कार्बन एटम वह किसमें चेंज हो चुका है, वह आपके पास डाउनवर्ड कार्बन एटम में चेंज हो चुका है, डाउनवर्ड कार्बन एटम में चेंज हो चुका है। ठीक है, देखो हमें दिख रहा है अच्छे से, और ये जो डाउनवर्ड था वो किसमें चेंज हो चुका है, अपवर्ड में हो चुका है। तो अपवर्ड कार्बन एटम डाउनवर्ड कार्बन एटम में चेंज हो चुके हैं, और जो डाउनवर्ड कार्बन एटम होंगे वैसे ही अपवर्ड कार्बन एटम में चेंज हो चुके हैं। तो पहला चेंज तो ये आया है। अब अगर मैं दूसरे चेंज की बात करता हूं, जरा ध्यान देखो, पहले जो HA आपको एक्सियल पोजिशन पर दिखाई दे रहा था वह अब HA आपको कहां पर दिखाई दे रहा है, इक्विटोरियल पोजीशन पर। तो हम बोलेंगे जो दूसरा हमारे पास चेंज आया है वह एक्सियल बॉन्ड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो चुकी हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुकी हैं। बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करता हूं, वह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ वैलेंसी नॉट चेंज, नेचर ऑफ वैलेंसी नॉट चेंज। अब सवाल आता है कि सर नेचर ऑफ वैलेंसी का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, अगर इस कार्बन को देखोगे तो यहां पर आपके पास इस कार्बन पर ये दो बॉन्ड तो है आपके पास इस तरीके से, इसको अगर देखोगे तो एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है। वहीं पर अगर आप इस कार्बन पर देखोगे तो ये दो बॉन्ड तो है इस तरीके से, लेकिन फिर से यहां पर एक बॉन्ड अपवर्ड है, एक बॉन्ड डाउनवर्ड है। मतलब अपवर्ड अपवर्ड ही रह रहा है, अपवर्ड अपवर्ड ही रह रहा है, और डाउनवर्ड जो है वह डाउनवर्ड ही रह रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर आपको ये सिंबल यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत दे रहे हैं तो आप इन सिंबल को बना लो, यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास तीन बातें निकल के आ रही हैं। फिर से समझिए, मैं नेचर ऑफ वैलेंसी का मतलब क्या समझा रहा हूँ, जो आपको इस फॉर्म में यहाँ पर अपवर्ड दिख रहा था बॉन्ड वो यहाँ पर भी अपवर्ड है, जो आपको डाउनवर्ड दिख रहा था वो यहाँ पर भी डाउनवर्ड है। मतलब नेचर ऑफ वैलेंसी चेंज नहीं है। ठीक है, तो अगर हम फ्लिपिंग करवा रहे हैं तो ये हमें ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब अगर मैं चौथी बात करता हूँ तो चौथी बात ये होगी, देयर इज नो चेंज इन एनी काइंड ऑफ कॉन्फिग्रेशन, इन एनी काइंड ऑफ कॉन्फिगरेशन। यहाँ पर क्योंकि नेचर ऑफ वैलेंसी चेंज नहीं हुआ, इसी वजह से यहाँ पर कोई भी कॉन्फिगरेशन में भी चेंज नहीं होगा। अब कॉन्फिगरेशन बोले तो हम बोल सकते हैं जो R है वो R ही रह रहा है, S है वो S ही रह रहा है, D है वो D ही रह रहा है, L है वो L ही रहेगा, ऐसे ही जो E है हमारे पास EE रहेगा, जो हमारे पास Z है वो हमारे पास Z ही रहेगा, जो अल्फा है वो अल्फा ही रहेगा, और जो बीटा है वो हमारे पास बीटा ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास किसी भी प्रकार का कॉन्फिग्रेशन में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास नेचर ऑफ वैलेंसी में भी कोई चेंज नहीं आया। अब इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर से मैं यहाँ पर आपके पास दोनों फॉर्म बना लेता हूँ। ये वाली फॉर्म हो चुकी है, ये फ्लिप करके आपके पास
कुछ ऐसी फॉर्म में बना देगी। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पर एटम्स दर्शाऊंगा तो यहाँ पर आपके पास क्या है, H, एटम्स लगा लेते हैं यहाँ पर H, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर H, H, यहाँ पर H, H, यहाँ पर H, एच, यहाँ पर देखो ये वाला एच और ये वाला एच। इस वाले केस में जरा ध्यान से समझना इसमें क्या हो रहा है, यहाँ देखो ये वाला एच यहाँ जाएगा, ये वाला एच यहाँ, इस वाले में ये एच यहाँ रहेगा और ये एच यहाँ, इस वाले में ये वाला यहाँ तो ये यहाँ, ये फिर से यहाँ तो ये ऐसे। आपको अभी एक इंटरेस्टिंग बात मैं समझाता हूँ, ये एच यहाँ तो ये एच यहाँ और ये फाइनली आपके पास एच यहाँ तो ये वाला एच यहाँ। आप जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ समझ में आएगा, अगर आप इस कार्बन एटम की बात कर रहे हो तो हम इस कार्बन एटम की बात करते हैं, तो अगर ये अपवर्ड है तो यहाँ भी अपवर्ड है, ये अगर डाउनवर्ड है तो यहाँ पर भी ये डाउनवर्ड है। अगर मैं इस कार्बन एटम की बात करता हूँ तो ये आपके पास अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड है, ऐसे ही यहाँ पर बात करते हैं ये आपके पास अपवर्ड है ये डाउनवर्ड है। तो इसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ये क्या है, एक्सियल है, ये क्या है, इक्विटोरियल है, ये क्या है, इक्विटोरियल है, ये क्या है, एक्सियल है। सबको A और E से दर्शाता हूं, A का मतलब यहां पर क्या है, एक्सियल है, और E का मतलब यहां पर क्या है, इक्विटोरियल है। तो आपको और अच्छे से विजुलाइजेशन हो जाएगा, यहां पर बताओ यहां पर E हो जाएगा, यहां पर A हो जाएगा, यहां पर E हो जाएगा, यहां पर A हो जाएगा, यहां पर E हो जाएगा, यहां पर A हो जाएगा, यहां पर आपके पास क्या होगा, E, तो यहां पर क्या हो जाएगा, A। ऐसे ही अगर मैं इसमें समझाने की कोशिश करता हूं तो क्या हो जाएगा बताइए, देखो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, ये वाला ऊपर की तरफ है मतलब परपेंडिकुलर है, ऊपर की तरफ से मतलब नहीं होता, अपवर्ड और डाउनवर्ड से हम एक्सेल इक्विटोरियल नहीं बताते, हम एक्सेल बताते हैं जो परपेंडिकुलर होगा और इक्विटोरियल बताते हैं जो पैरेलल होगा। तो ये एक्सेल है, ये इक्विटोरियल है, इक्विटोरियल एक्सियल, इक्विटोरियल एक्सियल, इक्विटोरियल एक्सियल, इक्विटोरियल एक्सियल, यहाँ पे इक्विटोरियल और यहाँ एक्सियल। अब आपको दोनों ही फॉर्म में फ्लिपिंग की ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी है, कहाँ पर चेंजेस आते हैं, कहाँ पर चेंजेस नहीं आते हैं, और चेंजेस आने के बाद कौन सी पोजीशन एक्सियल है, कौन सी पोजीशन इक्विटोरियल है। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व की, हम लोगों ने स्टेबिलिटी समझ चुका है एकदम अच्छे से, अब हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व पे समझते हैं, आखिरकार किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है तो उसको हम कैसे दर्शाएंगे, किसकी एनर्जी सबसे कम है तो उसको हम कैसे दर्शाएंगे। तो अब हम बात करते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम लोग किस तरीके से डिफरेंट कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन की बनाने वाले हैं उसको सीखते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान में बात क्या रखनी है, चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड होती है, चेयर फॉर्म के बाद आप क्या कहोगे, चेयर फॉर्म के बाद आप कहोगे ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट के बाद आप कहोगे वोट, और लास्ट में आप कहोगे हाफ चेयर। ये आपके पास ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का, और इसी के कोरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर एनर्जी भी आसानी से दिखाई देने वाली है। अब अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल कर्व बनाता हूँ तो इस तरफ तो हम यहाँ पर रख देंगे क्या, एनर्जी रख देंगे इस तरफ। अब हमारे पास यहाँ पर हम लोग इसका जो वेरिएशन करवाते हैं टाइम के साथ वेरिएशन करवाते हैं, सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम डायहेड्रल एंगल ज़्यादा यूज़ ना करके हम यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में इसको अगर हम वेरी करवाएंगे तो आप यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से दिखा सकते हो, यहाँ पर आपके पास 3/2 kT की एनर्जी है, तो आपके पास सबसे पहले अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर ऐसे जाएगा, फिर इस तरीके से ऐसे, और इस तरीके का आपको यहाँ पर कर्व देखने को मिलने वाला है। अभी मैं एक एक करके अच्छे समझाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर जो आपके पास फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं चेयर फॉर्म, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पर अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो ये आपके पास आ जाती है हाफ चेयर, तो हमें अच्छे से पता भी है कि चेयर किस में बदलती है, हाफ चेयर में बदलती है। हाफ चेयर के बाद आपके पास ये वाला जो फॉर्म होता है, ये वाला, ये आपका सेकेंड नंबर हाईएस्ट एनर्जी है, तो वो क्या हो जाएगा, ट्विस्ट बोट हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं ट्विस्ट बोट, इसको हम बोलते हैं ट्विस्ट बोट। वहीं पर इस वाले को हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे, ट्रू बोट या फिर सिंपली बोट। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर, आप यहाँ पर लाइन भी ऐसे बना सकते हो सिंपल, इस तरीके से आपके पास चलेगा।
तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ से आपको ये एक दूसरे की मिरर इमेज आसानी से नजर आ रहे होंगे। ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन की क्या दिख रहा होगा, मिरर इमेज दिख रहा होगा। इतनी बात एकदम अच्छे समझ में आ रही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं आ रही है, अब मैं थोड़ा सा इनके बीच का जो गैप है उसको समझाता हूँ। तो अगर मैं सबसे पहले इस वाले गैप की बात करता हूँ, तो ये हमारे पास जो एनर्जी गैप होता है ये अराउंड होता है 43 किलोजूल पर मोल। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये वाला गैप आपके पास कितना होता है, तो इसको हम कह सकते हैं 26 से 27 किलोजूल पर मोल। और इस वाले गैप की अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ इतने की, तो यहाँ पर आपके पास ही हो जाता है अराउंड 3.6 किलो जूल पर मोल। एक रफली आइडिया आपको होना चाहिए। तो ये आपके पास होता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ साइक्लोहेक्सेन। और आपको इसमें साफ साफ समझ में आ रहा है, ये चेयर फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज, एनर्जी सबसे कम। ये हाफ चेयर, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर ये सबसे कम स्टेबल होगा। फिर ये ट्विस्ट बोट और फाइनली बोट, उसके बाद इसकी मिरर इमेज इस तरीके से बन जाती है। ये वाली फॉर्म फिर से ट्विस्ट बोट आ जाएगी, ये वाली फॉर्म फिर से हाफ चेयर आ जाएगी, और ये वाली फॉर्म इन्वर्टेड चेयर आ जाएगी जो कि फ्लिपिंग का हुआ। एक लास्ट बात मुझे यहाँ पर और सिखाना है, एविडेंसेस ऑफ फ्लिपिंग इन साइक्लोहेक्सेन। आखिरकार हम कैसे एविडेंस दे सकते हैं कि साइक्लोहेक्सेन में फ्लिपिंग है या नहीं है, तो इसके लिए हम यहां पर एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लेते हैं, C6D11H। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। आपको पता है साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12 होता है। मैं सिर्फ एक हाइड्रोजन लगाता हूँ, बाकी सारे ड्यूटेरियम लगा के रखता हूँ। तो अगर मैं इसका चेयर फॉर्म बनाऊंगा, तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है, जब यहाँ पर मैं इसकी फिलिपिंग करवा दूंगा, तो फिलिपिंग करवा के आपको यहाँ पर कुछ ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन यहाँ पर कहाँ चल जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। बाकी सब तो सब जगह क्या लगे हैं, ड्यूटेरियम लगे हैं, उसको हम यहाँ नहीं दिखा रहे हैं। तो देखो होता क्या है, जब मैं 1H NMR स्पेक्ट्रम की बात करता हूँ, 1H NMR स्पेक्ट्रम में हमारे पास यहाँ पर 2 डिफरेंट सिग्नल आने चाहिए थे। देखो ये वाली आपके पास कौन सी पोजीशन है, ये आपके पास एक्सेल पोजीशन पर है हाइड्रोजन, और ये आपके पास इक्वेटोरियल पोजीशन पर है हाइड्रोजन। तो आपको देखने में तो ये लग रहा है कि आपके पास यहाँ पर एक्सियल बॉन्ड के लिए, एक्सियल के हाइड्रोजन के लिए अलग सिग्नल आना चाहिए, इक्वेटोरियल के हाइड्रोजन के लिए अलग सिग्नल आना चाहिए, लेकिन जब हम 1H NMR स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, तो यहाँ पर दोनों के लिए ही ओनली वन सिग्नल ऑप्टेन है। और रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ फास्टर रेट ऑफ इन्वर्जन, क्योंकि ये दोनों ही रिंग आपस में बहुत ज़्यादा फास्टली क्या कर रही हैं, एक दूसरे में इन्वर्ट कर रही हैं, इसकी वजह से हमारे पास एक ही सिग्नल देखने को मिलता है। जो मशीन है वो मशीन ज़्यादा अच्छे से नहीं पकड़ पाती है उस समय जब इंटर कन्वर्जन होता है इन दोनों ही रिंग में बहुत स्पीड के साथ, कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन अलग है। पहला पॉइंट समझ में आया। लेकिन तो जैसे ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज होने से क्या होगा, यहाँ पर स्लोअर रेट ऑफ इन्वर्जन होगा, स्लोअर रेट ऑफ फ्लिपिंग होगा, फ्लिपिंग थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और धीमे धीमे स्लो होता जाएगा। तो आपके पास पहले जो सिग्नल बहुत शार्प एक आ रहा था, अब ऐसे ऐसे सिग्नल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मोटा होता जाएगा, फूलता जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देगा। टेम्परेचर जब डिक्रीज करोगे तो इनके बीच में फ्लिपिंग थोड़ी सी कम होगी, फ्लिपिंग कम होगी, तब इस मशीन को समझ में आएगा कि यहाँ पर ये एक्सेल वाला हाइड्रोजन अलग है, इक्विटोरियल वाला हाइड्रोजन अलग है, ऐसे ऐसे करके और टेम्परेचर कम करते जाओगे तो ये और मोटा होता जाएगा। एक समय क्या होता है, ये अपने आप में इस तरीके से ऐसे 2 सिग्नल के रूप में दिखाना शुरू कर देता है, जहां पर इन दोनों ही सिग्नल के बीच में जो डिस्टेंस होता है ये 0.5 ppm का डिस्टेंस होता है। तो ये आपके पास एक बहुत ही रोचक बात है जो ये समझाती है कि आखिरकार साइक्लोहेक्सेन में फ्लिपिंग का एविडेंस क्या है। अब एक हमारे पास टर्म होता है, मैं बता देता हूं एक्स्ट्रा जानकारी के लिए, वो टर्म होता है कोलेसिन टेम्परेचर। तो अगर आपसे कभी कोई टर्म आ जाए कोलेसिन टेम्परेचर क्या होता है, तो हम बोलेंगे यह वो टेम्परेचर होता है जहां पर एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड दोनों का सिर्फ एक ही सिग्नल आता है,
और ये अराउंड 61 डिग्री सेल्सियस के माना जाता है, -61 डिग्री सेल्सियस के अराउंड माना जाता है। लेकिन अगर ये टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो -89 डिग्री सेल्सियस मतलब इतने कम टेम्परेचर पर आपके पास टू डिफरेंट सिग्नल देखने को मिलना शुरू हो जाते हैं, और उसके बीच में सिग्नल में डिफरेंस क्या होता है, 0.5 ppm का होता है। तो ये कहानी थी हमारे पास इस लेक्चर में। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटेड और कुछ बातें स्टार्ट करते हैं, और हम लोग साइक्लिक कन्फर्मेशंस के बारे में जानना शुरू करते हैं।